नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन छाकड़ और आप देख रहे हैं हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि एटीएम मशीन तो आप सभी जानते ही होंगे, आप यूज भी किया होगा। तो एटीएम मशीन होती क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता और उसकी वर्किंग क्या है, एटीएम मशीन काम कैसे करती है। आप जाते हैं एटीएम मशीन के पास और अपना कार्ड डालते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं और पैसे निकाल कर वापस आ जाते हैं। तो इसके पीछे इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसकी प्रोसेसिंग क्या, कैसे काम करता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एटीएम मशीन कितने टाइप्स की होती है, इसमें कौन कौन फंक्शनलिटी होती है, वो सभी डिटेल आप मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ है जो हमेशा यूज होने वाली है। दिन पे दिन एटीएम का यूज बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप ये रेड कलर का बटन देख रहे होंगे, टेक्निकल वीडियो मैं अब बनाना स्टार्ट कर दिया हूं। आपको कोई ना कोई टेक्निकल वीडियो हर रोज़ मिलेगा मेरे चैनल पर, और वो ऐसा वीडियो होगा जो कि आपके कहीं ना कहीं दैनिक जीवन से जुड़ा होगा और आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का बटन देख रहे हैं इस पर सब्सक्राइब करें। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो वहाँ भी एक रेड कलर का बटन होगा, उसमें सब्सक्राइब लिखा होगा और बगल में घंटी बनी होगी, दोनों पर आप क्लिक कर दें। तो इससे फ़ायदा ये होगा मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाएंगे जो कि इंटरनेट, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से होते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों एटीएम की। एटीएम होता क्या है, एटीएम सभी लोग जानते होंगे। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, बहुत लोग बोलते हैं एनी टाइम मनी, बट जो रियल इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। आपने एटीएम मशीन देखा ही होगा कैसा होता है, उसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कार्ड रीडर जहाँ पे हम लोग एटीएम कार्ड डालते हैं जो कार्ड रीडर बोलते हैं, कीपैड जिससे बटने होती है उसको कीपैड बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस में होता है स्पीकर जो बोलता है दोस्तों, डिस्प्ले स्क्रीन आपको स्क्रीन दिखाई देती है, रिसीव प्रिंटर जहाँ से रिसीव निकलती है, और कैश डिपोजिटर जहाँ से पैसे आप निकालते हैं। चलो इसका डायग्राम और देख लेते हैं। ये आपका देखो सबसे पहले इनपुट डिवाइस है, ये कार्ड रीडर है और ऐसा कीपैड होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये, और स्पीकर्स तो आप जानते हैं डिस्प्ले स्क्रीन ये होती है, आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन है, और ये कैश डिस्पेंसर यहाँ से कैश निकलता है। तो अब ये तो हो गया एटीएम के बारे में, अब एटीएम के टाइप क्या होते हैं। चलो दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना था। दो टाइप के एटीएम होते हैं, पहला लेज लाइन एटीएम मशीन एंड डायल अप एटीएम मशीन। अब लेज लाइन एटीएम मशीन होता क्या दोस्तों, द लेज लाइन मशीन कनेक्ट डायरेक्ट टू द होस्ट प्रोसेसर थ्रू अ फोर वायर पॉइंट ऑफ पॉइंट डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन। दोस्तों क्या होता है, एक एटीएम होता है और बैंक होता है, एटीएम बैंक के बीच में एक और चीज़ रखी रहती है जिसको बोलते हैं होस्ट प्रोसेसर। ये क्या होता है मैं आपको डिस्कस करूँ बताऊँगा, तो पहले आप समझ लीजिए एटीएम, होस्ट प्रोसेसर एंड बैंक, इसके बाद आप। तो क्या होता है, एटीएम से होस्ट प्रोसेसर जो जुड़ा रहता है वो चार वायर से जुड़ा रहता है, तो वो बेस्ड लाइन एटीएम मशीन कहलाते हैं। एटीएम और होस्ट प्रोसेसर अगर चार वायर से जुड़ा रहे तो वो बेस्ड लाइन एटीएम मशीन कहलाते हैं। और डायल अप एटीएम मशीन क्या होता है, डायल अप एटीएम कनेक्ट टू द होस्ट प्रोसेसर थ्रू अ नॉर्मल फोन लाइन यूजिंग अ मॉडम। और डायल अप में क्या होता है दोस्तों, एटीएम और होस्ट प्रोसेसर एक मॉडम या नॉर्मल फोन लाइन से कनेक्ट होते हैं। तो ये तो एटीएम के टाइप हो गए, लेज्ड लाइन एटीएम मशीन एंड डायल अप एटीएम मशीन। लेजिड आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, आपको एटीएम और जो एक प्रोसेसर बीच में रखा होता है जिसको होस्ट प्रोसेसर बोलते हैं, वो वायर के थ्रू वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, एंड डायलअप मॉडम के थ्रू या नॉर्मल वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये दो हो गए एटीएम के टैप। अब चलो दोस्तों बात करिए, ये एटीएम ओवरऑल एटीएम हो गया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, इनपुट डिवाइस इसमें तीन दो होते हैं, आउटपुट फोर्स होते हैं, टू टाइप्स के एटीएम मशीन्स होते हैं। अब बात करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है आखिरकार में। तो चलो दोस्तों, इसलिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या ये कस्टमर, ये हम लोग हैं, ये एटीएम में जाना है मुझे, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं होस्ट प्रोसेसर है यहाँ पे रखा रहता है, और ये आपका बैंक है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप अपने एटीएम कार्ड फर्स्ट है इंसर्ट द एटीएम कार्ड, अपना एटीएम कार्ड मशीन में डालते हैं, तो एटीएम कार्ड के पीछे एक आपने ब्लैक कलर की पट्टी देखी होगी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उसमें आपकी सारी डिटेल भरी रहती है। इस तो क्या करता है एटीएम, तुरंत जैसे आप इंसर्ट करते हैं एटीएम कार्ड तो ब्लैक पट्टी से सारी इन्फॉर्मेशन वो फेच कर लेता है, इसके बाद वो पिन नंबर मांगता है। स्टेप टू, फेच द ऑल इन्फॉर्मेशन टू एटीएम, एटीएम ने सारी फेच करने का मतलब दोस्तों निकाल लेता है, ठीक है, वहाँ से फिर क्या करता है वो जैसे पिन मांगा तैसे वो सेंड कर देता होस्ट प्रोसेसर, कन्फर्म करने के लिए आपने की जो इन्फॉर्मेशन है कार्ड में वो सही है गलत, आपसे ही रिलेटेड है, आप ही उसके ऑनर हैं, तो
तो जैसे पिन डालते हैं तो होस्ट के पास ये प्रोसेसर सेंड कर देता है और वो चेक करता है, हाँ ये कार्ड वैलिड है, इसकी वैलिडिटी चेक की जाती है, कब तक वैलिड है, यूज़र वैलिड है या नहीं है, पिन वैलिड है या नहीं है, ये सब वैलिड करने के बाद होस्ट प्रोसेसर का ये काम होता है। जैसे इसने किया ये वेरीफाई कर देता है, सेंड कर देता है बैंक को, जिस बैंक में आपका खाता हो, कोई भी बैंक हो सकती है, यहाँ पे बैंक को डिटेल सेंड करता है। बैंक क्या करता है, जितना भी ट्रांजेक्शन आपने फिल किया है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, वो वहाँ पे बैंक वेरीफाई करके फिर से होस्ट प्रोसेसर को दे देता है। ठीक है, होस्ट प्रोसेसर क्या करता है, पैसे जो भी आपने दिए वो ATM को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हाँ ये जो कस्टमर है, ये बैंक है, जो भी इसकी डिटेल पूरी करेक्ट है, आप ATM पैसे निकाल सकते हैं। तो ATM क्या करता है, तुरंत आपके पैसे गिनता है और आपको तक पहुंचा देता है। तो ये तो इसकी प्रोसेसिंग हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये बहुत ही सिंपल दोस्तों, फर्स्ट स्टेप ATM डाला, इसने सारी इन्फॉर्मेशन फेच करता है, निकालता है आपके ATM कार्ड से, इसे कन्फर्म करता है होस्ट प्रोसेसर। कन्फर्म करने के बाद जैसे कन्फर्म होता है बैंक को भेजता है, बैंक पैसे निकाल कर होस्ट प्रोसेसर को दे देती है, होस्ट प्रोसेसर फिर से ATM को इंस्ट्रक्शन देता है कि कस्टमर वैलिड है, अच्छा सही कस्टमर है, तो उसको तुरंत पैसे निकाल कर दे देता है। ये तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हो गई दोस्तों। और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल मैंने जो होस्ट प्रोसेसर की बात की थी, एक और नेटवर्किंग ऐसा आप देख लीजिए, ये बैंक कंप्यूटर्स होते हैं, यहाँ ATMs होता है, यहाँ होस्ट कंप्यूटर। आप ATM से पहले टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ा रहता है, तो वही जो प्रोसेस था मैंने वही बता दिया। ठीक है, तो ऐसे ATM वर्क करता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो ATM कार्ड होता है, जो स्ट्रिप होती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फीड रहती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी है, तो और अंदर की अगर फंक्शनलिटी जाननी है ATM की, कैसे ATM में क्या होता है, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। मैंने एक नॉर्मल वीडियो बनाया जिससे आपको पता चले वर्किंग प्रिंसिपल ATM का क्या होता है। अगर इंटरनली आपको जानना है कि कैसे पैसे गिनता है वो, कैसे उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो भी मैं बता दूंगा। पैसे गिनने में कुछ प्रॉब्लम आज सेंसर लगे होते हैं दोस्तों, सेंसर जैसी लगे, जैसे सपोज दैट आपने 5,000 रुपये निकाले, तो अगर 1,000 1,000 का नोट है तो वो थिकनेस सेंसर होता है, और एक थिकनेस वो क्या करता है, नापता है कि हाँ ये 1,000 के नोट की थिकनेस है। अगर सपोज दैट दो नोट एक साथ निकल रहे हैं तो वो ब्रेक कर देगा, नहीं निकालता है। तो ये इसके अंदर की प्रोसेसिंग होती है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसमें ज़्यादा लोग जान सकें। मैं जल्दी दूसरा बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ, और वो भी बहुत ही टेक्निकल होगा, आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।